अगर आपको डेटा एंट्री एंड टाइपिंग का काम मिले जिसमें क्लाइंट आपसे डिमांड करे कि आप उसको एक इमेज को एक्सेल शीट में कन्वर्ट करके दें, तो आप ये काम किस तरह से करेंगे और इसके लिए आपको डॉलर्स में पेमेंट मिलेगी। सो आपने ये काम सीखना है कि आप इसको 5 मिनट में कैसे करेंगे, जिसके लिए आपने वीडियो को कम्प्लीटली वॉच करना है। सो मैंने अपने पास कुछ जो है वो इमेजेस डाउनलोड कर लिए हैं जो कि इस टाइप में आपको मिलेंगे, इस फॉर्म में मिलेंगे, टेबुलर फॉर्म में। ये कोई क्लाइंट की तरफ से बिल भी हो सकता है, कोई पेरोल हो सकता है, कुछ भी ऐसा डाटा हो सकता है जो कि टेबुलर फॉर्म में है और जिसको आपने एक्सेल शीट में इंटर करना है। अब अगर आप इसको वैसे मैन्युअली इंटर करते हैं तो काफ़ी टाइम लग जाता है और काफ़ी डिफ़िकल्ट होता है। इसके अलावा कोई टूल यूज़ करके भी आप ये कर सकते हैं, बट मोस्ट केसेस में आपको ये कहा जाता है कि आपने कोई भी सॉफ्टवेयर यूज़ नहीं करना। सो मैं आपको एक ऐसा तरीका बताऊंगी जिसमें आपने कोई भी सॉफ्टवेयर यूज़ नहीं करना, कोई भी टूल यूज़ नहीं करना और आपने जो है वो ईज़िली माइक्रोसॉफ्ट 365 को यूज़ करते हुए जो है वो आप इजीली ये काम कर सकेंगे और अपनी इमेज का जो सारा टेक्स्ट है वो आप कन्वर्ट कर सकेंगे एक्सेल में। स्प्रेडशीट में आप उस पूरे टेक्स्ट को लेके जा सकते हैं, देन आपने उसमें जो चेंजेस हैं वो कर लेनी है, लाइक आपने उसकी फॉर्मेटिंग वगैरह करनी है, तो वो आप आसानी से कर सकेंगे। सो आपका टाइम जो है वो काफ़ी हद तक बच जाए। सो आपने अपने सेल फोन में माइक्रोसॉफ्ट 365 ऑफिस ये वाला आपके पास अगर आइकन अवेलेबल है या आपके पास ये जो सॉफ्टवेयर है, एप्लीकेशन है, वो इंस्टॉल्ड है, तो आपने इसको यूज़ कर लेना है। अदरवाइज़ आपने इसको गूगल प्ले स्टोर से जाकर इंस्टॉल कर लेना है। मेरे पास ये इंस्टॉल्ड है तो मैं इस पर क्लिक करके इसको ओपन कर लेती हूँ। ओपन करने के बाद जो है मेरे पास यहाँ पर साइड पर आपको ऑप्शन नज़र आ रहा है क्रिएट, क्रिएट पे मैं क्लिक कर दूंगी और यहाँ पर मैं क्लिक कर दूंगी एक्सेल को। ठीक है, एक्सेल को क्लिक करने के बाद आपने जो है वो स्कैन टेबल पे क्लिक करना है और स्कैन टेबल पे क्लिक करने के बाद जो है वो आपके पास इस तरह से ऑप्शंस आ जाएंगी। आप यहाँ से डायरेक्ट जो है वो स्कैन भी कर सकते हैं अगर आपके पास जो है वो हैंड रिटन फॉर्म में पड़ा हुआ है, किसी पेपर पे है, तो आप उसकी इमेज यहाँ से बना सकते हैं तो वो आपके सेल फोन में इमेज के तौर पे आ जाएगा। अगर आपके पास ऑलरेडी जो है वो सेल फोन में अवेलेबल है तो आपने क्या करना है, यहाँ पर गैलरी में जाना है। गैलरी से जाके मैं ये जो मैंने ऑलरेडी यहाँ पर सेव किए थे उनको मैं सिलेक्ट करूँगी, तो मैंने ये फर्स्ट वन जो है इसको सिलेक्ट कर लिया। यहाँ पर सेलेक्ट करने के बाद जो है मेरे पास ऑप्शन है कि मैं इसको जो है वो एरिया को क्रॉप भी कर सकती हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल मुझे ये लास्ट कॉलम नहीं चाहिए तो देखें मैं इस तरह से इसको यूँ अनसेलेक्ट भी कर सकती हूँ। अगर फुल मुझे कन्वर्ट करना है तो मैं सारे को सिलेक्ट कर लूँगी। ठीक है, मेरे पास अब जो है यहाँ पर जो है 5 कॉलम हैं और काफ़ी सारी मेरे पास जो है वो 10 रोज़ हैं और इसके अलावा जो है एक मेन रो है जिस पे जो है वो आईडी, नेम, क्लास, मार्क और जेंडर मेंशन्ड है। ठीक है, मुझे ये सारा ट्रांसफ़र करना है डाटा तो मैं यहाँ पर कंटिन्यू पे क्लिक कर दूँगी। कंटिन्यू पे क्लिक करने के बाद ये आपका प्रोसेसिंग स्टार्ट हो जाएगी, आपकी जो जितना भी टेक्स्ट है वो एक्सट्रैक्ट हो जाएगा और देन ये ऑटोमेटिकली आपके पास इस तरह से आपको शो होगा। यहाँ से आपके पास 2 ऑप्शंस हैं, आप कॉपी करके जाके पेस्ट भी कर सकते हैं या आप डायरेक्ट जो है वो ओपन कर लें तो आपके पास शीट में ये सब डाटा अवेलेबल हो जाएगा। मैंने यहाँ पर क्लिक कर लिया, ओपन कर लिया मैंने इसको। आप रिव्यू भी पहले कर सकते हैं। ठीक है, तो अब आपके पास ये ओपन हो जाएगा। ये देखें जस्ट 5 मिनट्स भी नहीं लगे और मेरी जो सारा डाटा है वो इमेज से मेरे पास एक्सेल शीट में ट्रांसफ़र हो गया है। अब आप यहाँ पर जो है वो इसको हाईलाइट करना हो या कुछ भी आपने इस पे चेंजेस करने हो यहाँ से, ठीक है, आप यूँ सेलेक्ट करें। ठीक है, और यहाँ पर आप कलर दे सकते हैं, बैकग्राउंड कलर यहाँ से आप आके चेंज कर लें। ठीक है, ये इस तरह से आप कोई कलर देना चाहते हो, ठीक है, यहाँ से आप चेंज कर सकते हैं। इसके अलावा जो है आपने कोई फॉर्मेटिंग और करनी है तो वो भी आप कर सकते हैं। रोज़ को आप जो है वो इस तरह से इनकी स्पेसिंग भी कम कर सकते हैं, स्पेसिंग ज़्यादा कर सकते हैं। सो इसके बाद जो भी आपने एडिटिंग करनी है वो आप इजीली यहाँ पर कर लेंगे। फार्मूला सप्लाई करने हैं, कुछ भी करना है वो यहाँ पर अब आप इजीली कर लेंगे। डाटा आपका इंटर हो चुका है। सो आपने जो है वो इसी तरह से डाटा एंट्री और टाइपिंग की जॉब्स में भी आपको इसी तरह से टास्क दिया जाता है जो कि आप इजीली कर सकते हैं।
और अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी है तो इसको लाइक एंड शेयर कीजिएगा, और अगर कोई कन्फ्यूजन है तो कमेंट सेक्शन में आपने ज़रूर मैंशन करना है।